हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश के एजुकेटर शुरू करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का सेगमेंट। हाँ देखो, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि सर जो अभी पेपर हुआ है एसएससी जीडी का, उसका एनालिसिस चाहिए। और मुझे बिल्कुल बनाना है आपको कि हम लोग भी डेफिनेटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको एनालिसिस जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना ना बेटा, थोड़ा सा बस मेरे हाथ में एक बार पेपर आ जाए, उसका एनालिसिस मैं पहले खुद कर लूँ, फिर मैं आपके सामने उसका डिस्कशन अच्छे से कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। चैप्टर वाइज आप पढ़ना चाहते हो बेटा तो फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, उसमें आप चैप्टर वाइज टॉपिक्स कवर अप कर सकते हैं, ठीक है ना कुंवर पाल जी। चैप्टर वाइज फाउंडेशन बैच पे बेटा चल रहा है, फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत मिनिमम चार्जेस हैं उसके, सिर्फ 499 का है और पूरे साल भर के लिए है, ठीक है ना। वहां चैप्टर वाइज आपको वीडियोस सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है बेटा। हाँ सैगनिक देवराय बोल रहे थे कि सर इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस चाहिए, और इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस आपको बिल्कुल मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना अभी ये सेगमेंट जो हम लोगों ने डिस्कशन करना था। शिफ्ट वन की बात करनी है, 7 सितंबर या 7 फरवरी का जो हुआ था पेपर। हाँ कुरपाल जी मिल जाएगा बेटा। गुड मॉर्निंग समिष्ठा जी, गुड मॉर्निंग चंदन, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बाद में इसको भी पढ़ा सकते हो, किसको बेटा? राधे राधे कन्हैया जी, जी 20 फरवरी का पेपर। हाँ पेपर सॉल्व करवाऊंगा बेटा मैं, सोल्यूशन के साथ आपसे डिस्कशन करूंगा। सीजीएल का भी होगा बेटा, एक एक करके। अभी देखो जीडी का पेपर अब शुरू हो गया है ना, जब तक एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, जब तक पेपर चल रहा है तब तक इसी पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि बच्चों की ये भी क्वेरी है ना। या तो इसी बार का जो पेपर आता जा रहा है उसका सोल्यूशन, या फिर डेफिनेटली रोज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो फिर प्रीवियस पेपर, जब तक जीडी का पेपर चल रहा है तब तक के लिए। जैसे पेपर जीडी का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डेफिनेटली हम लोग सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इन एग्जाम्स पे भी आएंगे, ठीक है। सबका मिलेगा बेटा, बिल्कुल सोल्यूशन मिलेगा आपको, हर चीज का सोल्यूशन जो भी आप चाहते हैं। रीजनिंग बेटा आकाश सर लेते हैं, रीजनिंग। हाँ जल्दी दूंगा बेटा, जल्दी, जितनी जल्दी मुझे अवेलेबल हो जाए ना मैं सॉल्व करके आपके सामने खुद लेकर के आऊंगा, टेंशन आप उसकी बिल्कुल मत लो, सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा उसका, ठीक है अशरफ जी। चलिए अभी फिलहाल आज का सेगमेंट ये शुरू कर लेते हैं, काम कर रहा हूँ बेटा उसके ऊपर भी लगा हुआ हूँ। जितनी जल्दी मेरे पास अवेलेबल हो जाए चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है बच्चा। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग साहिल बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। 26 फरवरी हिफ्जुर, हाँ ठीक है हिफ्जुर, उससे पहले ही मैं एनालिसिस करवा दूंगा बेटा, 26 से पहले पहले कोशिश करूंगा कि कल नहीं तो परसों, जितनी जल्दी प्रोसेस में आ जाए चीजें बिल्कुल मिल जाएगा आपको, ठीक है उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ जितनी जल्दी से जल्दी आपके साथ उसका एनालिसिस करवा सकूँ, रेगुलर क्लास में नहीं तो वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा उसके ऊपर, ठीक है ना, उसकी भी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फटाफट क्या लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन का पोर्शन है, द लाइब्रेरी इज द राइट प्लेस टू राइट एन आर्टिकल फ्रॉम अ जर्नल। देखिए अब सेंटेंस दिया हुआ है, टू फिल एन आर्टिकल, टू करेक्ट एन आर्टिकल, टू रीड एन आर्टिकल, टू फाइंड द आर्टिकल, क्या होगा पार्ट जो उसको रिप्लेस करेगा। फिल एन आर्टिकल, ओके फर्स्ट का ए आंसर आ रहा है। अच्छा ये 2 भी इसमें अंडरलाइंड वाले पार्ट में ही है यहां से, ठीक है ना, यहां से पार्ट है पूरा ये। फर्स्ट का 3rd आ रहा है आंसर, निशांत बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बेटा निशांत। फर्स्ट का 3rd, फर्स्ट का 3rd, अरे इतना कंफ्यूजन क्यों हो गया बेटा, आप खुद देख लो। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है ना जहां पर आप क्या करते हो, लाइब्रेरी इज टू
किस लिए होती है लाइब्रेरी? सिंपल सी बात है ना, लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती है। तो करेक्ट ऑप्शन करेक्ट करने के लिए नहीं, फिल करने के लिए, फाइंड करने के लिए नहीं, लाइब्रेरी इज द राइट प्लेस टू रीड, रीड करने के लिए है, पढ़ने के लिए। हाँ बेटा कट ऑफ जाना चाहिए, क्योंकि पेपर भी जो आ रहा है ना वो बहुत इजी ही आ रहा है, ठीक है ना, जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली। कंपटीशन हमेशा कब है? हाँ जनरल से आर्टिकल पढ़ी जाती है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ फर्स्ट का फर्स्ट नहीं होगा, फिल नहीं करना है आर्टिकल को, करेक्ट भी नहीं करना है, फाइंड भी नहीं करना है। लाइब्रेरी में आप क्यों जाते हो भाई? रीड करने के लिए ना, लाइब्रेरी पढ़ने की जगह होती है, तो रीड वाला ऑप्शन होगा सही। क्वेश्चन नंबर टू पे आइए, सिनोनिम पूछा गया है स्विंडल वर्ड का, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना, स्विंडल इज ए रियली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये स्विंडल। बताइए क्या लग रहा है सही आंसर? स्विंडल का एक्चुअली मीनिंग अगर आपको पता है ना तो बहुत आसान हो जाएगा ये आपके लिए सेगमेंट। बबी कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। ऑब्जर्वेशन सी वाला, देखो स्विंडल का एक्चुअली मतलब होता है ना किसी का पैसा लेकर के भाग जाना, धोखाधड़ी करना किसी के साथ। सिनोनिम चाहिए ये भी ध्यान रखिएगा। थ्रेट का मतलब होता है धमकी देना, फ्रॉड धोखाधड़ी करना। हाँ उमेश जी बहुत बढ़िया। ऑब्जर्वेशन करना मतलब किसी चीज पे नजर रखना, ऑब्जर्व करना, और राइड मतलब होता है सवारी करना। हाँ जो सिनोनिम चाहिए वो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉड। स्विंडल का मतलब होता है किसी के पैसे लेकर के भाग जाना। हाँ स्विंडल याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्विंडल का मतलब होता है धोखा करना, धोखाधड़ी, किसी का पैसा लेकर के चले जाना, उसको धोखा देना, ये यूजर भी होता है, हड़प लेना किसी का पैसा, फ्रॉड होता है। यस करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉड, क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाइए, एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom, अ केक वॉक, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। अ केक वॉक, अ पीस ऑफ केक, as easy as ABC, child's play, kids stuff, इतने सारे synonym होते हैं इस particular idiom के, इतने सारे idioms हैं, सोचिए बहुत आसान है। a piece of cake, as easy as ABC, child's play, kids stuff, इनमें से कोई भी सबका मीनिंग दे दिया जाए। हाँ सब होते हैं बेटा, बिल्कुल होते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। इतने सारे सोचे idioms हैं जो इसके synonyms हैं। हाँ बाएं हाथ का खेल, बहुत बढ़िया, बहुत आसान काम, an easy task, कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए बड़ा आसान हो, बहुत आसानी से आप जीत जाओ, जिसमें विक्ट्री भी इसीलिए दिया हुआ है, अ प्रेशियस मेमोरी टू चेरिश। चेरिश हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, हैप्पी प्रेशियस भी कल डिस्कस किया था, बहुत बढ़िया, देखो सब रिवीजन में आ रहे हैं। कीमती, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है अचानक से कुछ चेंज आ जाना, चेंज या मोड। ठीक है ना, स्टाइलिश वॉक ये भी नहीं होगा डेफिनेटली, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड। इजी, अ पीस ऑफ केक। अच्छा इसी का एक अपोजिट भी idiom होता है, कोई भी ऐसा काम जो बड़ा आसान है वो ये हो गया, लेकिन ऐसा काम जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टास्क, उसके लिए जो फ्रेज आता है वो होता है, हम बोलते ना इट इज अ रॉकेट साइंस, it is a hard
नट टू क्रैक, इट इज नॉट समबडीज कप ऑफ टी, इट इज अ हिमालयन टास्क, इट इज अ हरक्यूलियन टास्क. देख लीजिए, ये दोनों फ्रेजेस एक दूसरे के अपोजिट हैं. कोई भी ऐसा काम जो बहुत मुश्किल है उसके लिए ये फ्रेजेस, कोई भी ऐसा काम जो बड़ा आसान है उसके लिए ये फ्रेजेस. कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे. ठीक है ना, ये सब फ्रेजेस याद रखिएगा, जो चीजें साथ साथ में सीखते चलें. बताइए, कोई कंफ्यूजन अगर इसमें हो तो फटाफट रिप्लाई करते चलिए, सीखते चलते हैं. ठीक है ना, हार्ड नट टू क्रैक होता है. हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया साहिल. क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट. क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा गया था? मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आया था, फटाफट गेस कर लीजिए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का सही आंसर. व्हेन द सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज बिकम वेरी एक्टिव. सेपरेटिस्ट मतलब अलगाववादी बोलते हैं ना जिनको, वो होता है सेपरेटिस्ट. और टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति, मतलब कुछ करने की इच्छा, अलग होने की जो इच्छाएं होती हैं जब वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं. द यूनिटी ऑफ एनी नेशन कैन बी इन, तब जो नेशन की यूनिटी होती है ना, राष्ट्र की जो एकता होती है. समबडीज कप ऑफ टी, हाँ समबडीज कप ऑफ टी मतलब होता है किसी की, किसी के लिए बहुत आसान होना. लेकिन नॉट समबडीज कप ऑफ टी लिखवाया, बट ये ध्यान रखना नॉट के साथ ही जनरली पूछा जाता है निगेटिव में, तो इसका मतलब होता है किसी के बस के बाहर होना. हाँ वापस आइए क्वेश्चन पे. द यूनिटी ऑफ एनी नेशन कैन बी इन, किसी भी नेशन की जो यूनिटी होती है, एकता जो होती है, वो क्या हो जाती है? अब सॉलिटेयर, डोसाइल या फिर नेगोशिएशन, पैरिल. पैरिल वर्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है. पैरिल का एक सिनोनिम डिस्ट्रेस भी होता है, डिस्ट्रेस. और डिस्ट्रेस या पैरिल दोनों का मतलब होता है डेंजर में होना, खतरे में होना. हाँ नेगोशिएशन का मतलब होता है किसी नतीजे पर पहुंचना, रीच अ कंक्लूजन. होता ना बातचीत करके आप किसी नतीजे पर अपनी पहुंचते हैं. मोल भाव करना, मोल तोल करना, ये भी होता है ना, मोल भाव करना या फिर तालमेल बैठाना, ये नेगोशिएशन होता है सैलरी वगैरह के लिए जब आप करते हो. डोसाइल, ये बड़ा अच्छा है. डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा. इसके लिए एक फ्रेज भी डोसाइल की तरह से बोला जाता है, एज डोसाइल एज अ काउ. बोलते ना वह फ्रेज में, गाय की तरह सीधा होना. तो एज डोसाइल एज अ काउ, डोसाइल मतलब होता है हार्मलेस, वो एनिमल जो नुकसान ना पहुंचाए, हार्मलेस जो नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके लिए आता है डोसाइल. और सॉलिटेयर, डेफिनेटली सॉलिटेयर वगैरह आपको पता हो, बताइए. सॉलिटेरिटी मतलब अकेलापन जो होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं. हाँ मॉडेस्ट आ जाता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड साहिल, सिंपल, बहुत बढ़िया. सॉलिटेयर का मतलब बताइए, सॉलिटेरिटी अलोन, अकेला रह जाने से रिलेटेड है ये सॉलिटेयर. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये क्या लगता है सॉलिटेयर का मतलब? गेस कर पा रहे हैं? फटाफट जल्दी से गेस करिए. आइसोलेटेड, बहुत बढ़िया. आइसोलेशन, लिविंग इन आइसोलेशन, हाँ मतलब अलोन, अकेले रह जाने वाला. ठीक है ना. अच्छा इसका एक सिनोनिम बड़ा बढ़िया रिक्लूज आता है. रिक्लूज का मतलब भी होता है अकेला.
ठीक है ना, तो अकेला नहीं हो जाता, नेशन की जो यूनिटी होती है वो अकेली नहीं पड़ जाती है, वो खतरे में आ जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, पेरिल। यस, फोर्थ इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी फोर्थ बोला था, पेरिल, डिस्ट्रेस, डेंजर, वो सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर का फोर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आइए। सिनोनिम पूछा गया है एंड द वर्ड इज कैलेमिटी। देखो कैलेमिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट इज अ नेचुरल कैलेमिटी। क्या होगा? फॉर्चून, डिजास्टर, विंडफॉल, प्रॉस्पेरिटी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर। गेस कर लीजिए, फटाफट आंसर बताइए। सीखते चलना बेटा, जो सही आंसर है वो तो सीखना ही, उसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट वर्ड मिलते चले, जो नहीं पता हो वो सीखते चलना। डिजास्टर, बहुत बढ़िया। इंग्लिश पेपर का रिव्यू मिल जाएगा बेटा, जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। मुझे आपसे ज़्यादा जल्दी है कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूं इंग्लिश के पेपर का रिव्यू। फिफ्थ का बी, हाँ ठीक है। कैलेमिटी का मतलब ही होता है आपदा, विपत्ति, ठीक है ना, तबाही, ये सब वर्ड हैं। तो इसका जो सिनोनिम हमसे चूंकि पूछा गया है और सिनोनिम की बात करें तो वो होगा डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब भी होता है आपदा। फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। विंडफॉल, हवा से कुछ गिरना, वो विंडफॉल हो जाता है। ठीक है ना, विंडफॉल मतलब होता है फॉल, गिरना, स्पेशली हवा के झोंके से जैसे फल वगैरह गिरते हैं ना, उसके लिए आता है। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि होता है या फिर संपन्नता होता है। वेल्थ, विंडफॉल। देखो विंडफॉल का एक्चुअली मतलब तो वो होता है ना, पेड़ से कुछ गिरता है फल वगैरह हवा की वजह से। लेकिन विंडफॉल का एक मतलब अचानक से आने वाला सौभाग्य भी होता है, मतलब जिसकी आप उम्मीद ना करो लेकिन जो आपके लिए भाग्यशाली कोई चीज हो जाए, अचानक से आ जाए। देब्रॉय, मिलेगा आपको इंग्लिश पेपर का एनालिसिस बेटा, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जल्दी से जल्दी मिलेगा। ये बार बार एक ही मैसेज करने से जल्दी नहीं आ जाएगा बच्चा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए जल्दी से जल्दी पेपर का एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है डेबोराय जी, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा बेटा, आपसे ज्यादा जल्दी मुझे, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है बच्चा। लेकिन उसकी वजह से ये पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, वो एनालिसिस आपके लिए आएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर लाइव नहीं करके यहाँ पे डिस्कशन कर पाया तो मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगा। बट उसके चक्कर में ये जो अभी पढ़ाई चल रही है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए हमारी ना बच्चा, ये सब साथ साथ में होती रहेंगी चीजें, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे है कि मैं अपने बच्चों से डिस्कशन करूँ, उनको बताऊँ, कुछ हेल्प कर दूँ उनकी, ठीक है ना। सब लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा मिल जाए आपको, ठीक है बेटा। मिल जाएगा बच्चा, बिल्कुल मिलेगा, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है। मैं खुद चाहता हूँ यार कि अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करूं, उनको कुछ हेल्प करूं, ताकि आप लोग को भी जो आ रहे हो, रेगुलर मिल रहे हो, उसको फायदा मिले, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए सही आंसर होगा इसका डिजास्टर। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। फिर अंडरलाइन सेगमेंट का क्वेश्चन है ये, और आपको बताना है कौन सा पार्ट इसको रिप्लेस करेगा। बताइए क्या पूछा गया है वर्ड। अच्छा, स्टेटस क्यू दिया हुआ है, The treaty was signed by both the parties to retain the status quo. Retain करना, इसमें ये जो word है ना,
हाँ हिंदी का बेटा, इंग्लिश का एक्चुअली मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरे पास अभी पेपर अवेलेबल नहीं हो पाया है। अब सारे क्वेश्चंस आ जाएं एक साथ, टुकड़ों में चीजें आई हैं, तो सारे पेपर एक साथ आ जाए, सारा का सारा क्वेश्चन पेपर एक साथ आ जाए ना, फिर मैं कम से कम डिस्कशन करूं, आधा कर पाऊं आधा नहीं कर पाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, एक बार सारे क्वेश्चंस मिल जाए मुझे। ठीक है, अच्छा, बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज ने साइन किया है। रिटेन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिटेन करना मतलब होता है किसी भी चीज को बनाए रखना, और ये वर्ड मैंने आपसे कई बार यूज किया हुआ है कि वोकैबुलरी नई नई सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पुरानी सीखी हुई वोकैब को रिटेन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेन करना मतलब याद रखना। हाँ कोई इश्यूज नहीं बेटा, कोई इश्यूज नहीं है, हम लोग इंग्लिश पे डिस्कशन करेंगे 100% करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए उसकी। ठीक है, अच्छा, अब स्टेटस क्यूओ का मतलब होता है रिटेन करना, बनाए रखना, किसको? प्रीवियस कंडीशन को, अननेचुरल बिहेवियर को, करंट सिचुएशन को, क्लास ऑफ सोसाइटीज को। तो सही आंसर होता है स्टेटस क्यूओ का मतलब होता है करंट सिचुएशन, जो अभी सामान्य हालत चल रही है, नई इस समय जो प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन चल रही है उसको बनाए रखना, मतलब सिचुएशन को बिगड़ने ना देना। हाँ करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर करंट सिचुएशन, दिस इज द राइट आंसर। होल्ड ऑन टू, हाँ रिटेन का मतलब होल्ड ऑन टू। अब देखो होल्ड ऑन टू मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा और ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। रिटेन करना मतलब किसी चीज को रोके रहना, बनाए रखना, स्थिर किए रहना। ठीक है ना, ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा गया है उस वर्ड का जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, और उसी का सिनोनिम हमें फिल इन द ब्लैंक में लिखना है, मतलब फिर कॉम्बिनेशन आया दो क्वेश्चन का। ठीक है ना, ब्लैंड फिल इन द ब्लैंक भी है और सिनोनिम भी पूछ रहे हैं। रोहन इनसफिशिएंट द कंपैशन रिक्वायर्ड टू बी अ डॉक्टर। चलो इनोसेंट बहुत अच्छी बात है बेटा, थैंक यू वेरी मच, बट सीखेंगे तभी मैं मानूंगा बेटा। रोहन ओवरसाइज्ड, लैग्ड, डिप्राइव। अच्छा डिप्राइव का मतलब ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज से किसी पर्सन को वंचित रखना। अब ये वंचित वर्ड अगर आपने सुना हो मतलब उससे दूर रखना, किसी को उसके अधिकारों से दूर रखना, अधिकार ना देना, ये सब चीजें कहलाती हैं वंचित, वंचित रखना। ठीक है ना, तो रोहन को वंचित। कंपैशन, देखो अब कंपैशन यहाँ पे रिक्वायर्ड टू बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनने के लिए जो कंपैशन चाहिए होता है ना, मतलब जुनून चाहिए होता है, जो लगाव चाहिए होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे कंपैशन। हाँ और ये बिल्कुल सही है, डिप्राइव के साथ ऑफ आता है, जिस चीज से वंचित रखा जाता है, प्रिवेंट ऑफ समथिंग। बहुत बढ़िया निशांत, एक चीज बेटा और सुधार लो यहाँ पर निशांत। डिप्राइव के साथ तो ऑफ ठीक है, लेकिन प्रिवेंट के साथ ऑफ नहीं, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है बेटा, प्रिवेंट फ्रॉम समथिंग। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना। हाँ सेकेंड वाला ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा इनसफिशिएंट मतलब कोई चीज जो पूरी ना हो, मतलब उसमें कुछ कमी रह जाए, और कमी के लिए वर्ड होता है लैक। लैक का मतलब होता है कमी रहना। ठीक है निशांत, ये भी ध्यान रखना बेटा, जो मैंने बोला प्रिवेंट के साथ ऑफ नहीं, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ओवरसाइज तो पता ही है, जरूरत से ज्यादा बड़ा साइज होना, और वॉइडेड, वॉइड, नल एंड वॉइड आपने सुना होगा, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है नथिंग, बिल्कुल जीरो। ठीक है ना, तो वॉइड का मतलब, नल एंड वॉइड मतलब हो गया नथिंग। वॉइड का मतलब होता है किसी भी चीज को एंड करना, फिनिश करना, खत्म कर देना, ये आ जाता है वॉइड। तो वॉइड मतलब खत्म कर दिया गया, तो खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। अंडरलाइन वर्ड को स्पेलिंग के फॉर्म में चेक करना है या रिप्लेस करना है, बताइए। बताइए क्या होगा सही आंसर। यू कैन ईट एनीथिंग यू लाइक एक्सेप्ट द राइस पुडिंग। अच्छा पुडिंग एक तरह की डिश होती है, जैसे हमारे यहाँ हलवा होता है ना,
वैसी ही कुछ पुडिंग टाइप की चीज होती है। खीर मान लो, राइस पुडिंग की बात कर रहे हैं तो खीर की बात कर लो, तो आप जो चाहो खा सकते हो, एक्सेप्ट ये वाला जो है ना वो है स्वीकार करने वाला। और जबकि आपको सेंटेंस का अगर सेंस समझ में आ रहा हो कि सब कुछ खा सकते हैं राइस पुडिंग को छोड़कर, इसको इसके अलावा, और उसके लिए हमारे पास जो वर्ड होता है वो होता है यस, EXCEPT वाला, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा। अब ये के अलावा इसका मतलब यही है, इस चीज को छोड़कर, उसके अलावा बाकी चीजों की बात करते हैं। तो यहां पे जो सेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होगा एक्सेप्ट। ये वाला जो एक्सेप्ट है, ये वाला एक्सीड है, ये एक्सेस है, इसका मतलब अगर कुछ बता सकते हो तो आप बता दीजिए जरा। महेश्वर जी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, बताइए बाकी जो वर्ड आए हैं उनका अगर कुछ मीनिंग बता सकते हो इनमें से किसी भी वर्ड का तो बताइए। देखो ये तो वर्ड ही गलत है, ये तो वर्ड ही नहीं होता, ठीक है ना। ये वाला एक्सीड, इसका मतलब होता है किसी चीज तक एलिविएट, हाँ बोल सकते हैं एलिविएट बोलो, या इसका मतलब अप्रोच, मतलब किसी चीज में किसी चीज तक पहुंचना। ये एसएस वाला है बेटा, एक्सेस वाला नहीं है। देखो ये वाला जो एक्सेस होता है ना, इसका मतलब होता है अधिक वाला, अधिक ज्यादा, ये एक्सेस होता है। ये जो एसेस होता है ना, इसका मतलब असेसमेंट, आपने सुना होगा किसी भी चीज का मूल्यांकन करना, उसको वैल्यू करना, ये होता है। हाँ ये वाला होता है ना, अप्रोच करना, किसी चीज को डिफाइन करना, किसी चीज से जुड़ना, उसके लिए आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एस्टिमेट, हाँ अंदाजा लगाना, बिल्कुल सही, ये वाला असेसमेंट इसी से बनता है, ठीक है बेटा। अरे सॉरी की जरूरत नहीं, मैं श्योर, इट्स ओके बेटा, सॉरी की कोई जरूरत नहीं बच्चा। हाँ एक्सेसिबल, ठीक है ना, याद रखना। चलो ये एक्सेस ज्यादा वाला होता है और एक्सेसिबल एस्टिमेटेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर। एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से कुछ वर्ड ले लिए गए हैं, जैसे डेयर्ड वर्ड यहाँ लिया गया है, कंपीट वर्ड यहाँ लिया गया है, अगेंस्ट वर्ड ये ले लिया गया है, एक्सपीरियंस यहाँ ले लिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत है, मतलब इनमें से जो वर्ड गलत हो वो आपको डिसाइड करना है, और उसकी सही स्पेलिंग इनमें से क्या है। जैसे बेसिक एग्जांपल की बात करें तो अगेंस्ट की स्पेलिंग देखो यहाँ सही दी हुई है, तो हमें इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, है ना। एक्सपीरियंस की स्पेलिंग देख लो, डेयर्ड की, क्या डेयर्ड की सही स्पेलिंग ये होती है, तो गलत है। अगेंस्ट की स्पेलिंग यहाँ गलत दी हुई है, सही करनी है स्पेलिंग। हाँ एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज कम्पीट, ये वाली सही होती है, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी हुई थी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग भी गलत दी हुई है, ठीक है ना। उसकी हिम्मत थी कि वो कॉम्पीट करे, मतलब कॉम्पिटिशन इसी से बना है, कम्पीट करना मतलब किसी से तुलना करना, ठीक है ना, या उससे लड़ाई लड़ना, कि उसकी किसके खिलाफ लड़ाई लड़ सके, एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर के खिलाफ वो कॉम्पीट कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके, कॉम्पिटिशन कर सके, ये कम्पीट, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए. पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन गिवन एज ऑप्शन. वन ऑफ देम कंटेन एन एरर. एरर का क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना. सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर. और अगर आपको लगता है कोई एरर नहीं है सेंटेंस में तो नो एरर वाला आंसर टिक करेंगे हम. ठीक है ना, सेंटेंस देख लीजिए. लास्ट नाइट आई प्लेड माई गिटार लाउडली एंड द नेबर्स कंप्लेन. हाँ, क्या होगा सही आंसर? लास्ट नाइट आई प्लेड एंड द नेबर्स कंप्लेन. नो एरर. माई गिटार गिटार लाउडली. टेंथ का टू. ओके, क्या एरर है बेटा टू में साहिल? फटाफट बताइए. हाँ देखो, बात पास्ट की कर रहे हैं ना. लास्ट नाइट कंफर्म कर रहा है कि बात हो रही है पास्ट की, और पास्ट की बात हो रही है तो प्लेड यहाँ पास्ट में सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है. लेकिन जब मैं प्ले कर रहा था तभी कंप्लेन की थी नेबर्स ने, यानी नेबर्स ने भी कंप्लेन लास्ट नाइट ही की थी. तो यहाँ कंप्लेन नहीं बल्कि कंप्लेंड होना चाहिए था. यस, और कंप्लेन वाला पार्ट यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर. हाँ बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड समिस्टर. हाँ समिस्टर बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा बेटा, टेंथ का टू आंसर होगा. हफिजुर ध्यान रखना, लास्ट नाइट आई प्लेड में कोई एरर नहीं है, कंप्लेन में एरर है. यहाँ कंप्लेंड होना चाहिए था, पास्ट टेंस. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं. ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन. हैज बिगर फिश टू फ्राई. बिगर फिश टू फ्राई मतलब जो काम कर रहे हो उससे और बड़े काम करने हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है. अगर आप किसी से बोलो ना कि छोटी मोटी चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास और भी जरूरी काम है करने के लिए, तो आप बोलते हो आई हैव बिगर फिशेस टू फ्राई. बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, ध्यान रखना. बहुत अच्छा फ्रेज भी है. हैज बेटर चॉइस ऑफ फूड. फूड से इसका कुछ लेना देना नहीं है. हैज ईजियर प्लान्स टू सॉल्व द इशू. ईजियर मतलब आसान चीजों की बात नहीं करते. Has more important work to do. बिल्कुल सही हो सकता है ऑप्शन नंबर थर्ड. Has greater plans to discuss. Discussion नहीं, फ्राई करना है मतलब कुछ करने की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. हाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड. Has more important work to do. क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल सही हैं आप. हाँ वेरी गुड. राइट, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए. एंटोनिम पूछा गया है एस्केलेट. अब एस्केलेट वर्ड एस्केलेटर इसी से बनता है. ठीक है ना, आपने देखा होगा मॉल्स में सीढ़ियां जो चढ़ती चली जाती हैं उनको एस्केलेटर बोलते हैं. तो एस्केलेटर होता है ऊपर ले जाने के लिए. बताइए क्या लग रहा है सही आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? गेस कर लीजिए. डिमनेश बिल्कुल सही है. डिमनेश एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा एस्केलेट मतलब होता है ऊपर करना, उठाना, बढ़ाना, ज्यादा कर देना. एनलार्ज का ये ना सिनोनिम मान लो आप. एनलार्ज होता है इसका सिनोनिम होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना. तो इसका जब हमसे एंटोनिम पूछा जाएगा तो मतलब होगा किसी चीज को कम कर देना, और कम कर देने का मतलब निकल के आता है डिमनिश. डिमनिश का मतलब होता है घटाना, कम करना. ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर होगा डिमनिश. थर्ड इज द राइट आंसर. इंक्रीज का अपोजिट. यस. अच्छा इंटेंसिफाई भी इसका सिनोनिम है. इंटेंसिफाई का मतलब भी होता है किसी भी चीज को बढ़ाना. करप्ट का मतलब तो पता है भ्रष्ट होता है. हाँ अपलिफ्ट करना. बहुत बढ़िया. एस्केलेट का मतलब अपलिफ्ट करना. बिल्कुल सही है. तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड होगा क्वेश्चन नंबर 12 का. 13 पे आ जाइए. फिर से देखो एंटोनिम पूछा गया है. फॉलो करना. फॉलो मतलब होता है किसी का पीछा करना,
या किसी के बाद आना, किसी के पीछे होना। अब पीछे होने का एंटोनिम पूछा गया है ना, तो आगे होने की बात करेंगे। देख लो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। एनसीयू दिया है, प्रीडेट दिया है, सप्लेंट दे दिया है, डिस्प्लेस दे दिया गया। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, वेरी गुड। बताइए। प्रीडेट आ रहा है आंसर। ओके, साहिल एनसीयू बोल रहे हैं। अच्छा, बेटा एनसीयू ना एक्चुअली सिनोनिम होता है फॉलो का। ये फॉलो का सिनोनिम होता है, तो ये एनसीयू ना इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम वाला आंसर अगर पूछा होता तो हम टिक करते। प्रीडेट, डेट से पहले हो जाना, पहले, बिफोर। सप्लेंट, ये जो वर्ड आता है ना, ये रिप्लेस का सिनोनिम है। इसका मतलब होता है रिप्लेस करना, बदल देना किसी की जगह। और डिसप्लेस मतलब होता है किसी स्थान को शिफ्ट कर देना, ठीक है ना, जगह चेंज करना, किसी चीज को किसी चीज की जगह पे रख देना, वो रिप्लेस करना। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर, हाँ वो हो जाएगा प्री डेट, क्योंकि फॉलो का मतलब होता है बाद में आना या पीछे आना, और प्री डेट का मतलब होता है पहले आना या बिफोर आना, बिफोर आफ्टर। ये सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन है। अच्छा, प्री डेट याद रखना ये इसके एंटोनिम में है, लेकिन जो एनसीयू वर्ड दिया हुआ है वो इसके सिनोनिम में है। हाँ, प्री रूट वर्ड, प्री का मतलब ही पहले होता है। बिल्कुल सही है समिष्ठा जी, बहुत बढ़िया। तो 13 का ऑप्शन नंबर 2। 14 पे आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। गिवन सेंटेंस, आई नीड अ ब्लू ब्लैंक दिया है फॉर राइटिंग, एंड माई ब्रदर रन्स अ ब्लैंक दिया है फॉर डॉग्स। अच्छा देखो, ब्लैंक दो हैं लेकिन ऑप्शन एक दिया हुआ है, इसका मतलब एक ही ऐसा वर्ड है जो दोनों में फिट होना चाहिए। डॉग्स के लिए शेल्टर हो सकता है, डॉग्स के लिए निब, निब लिखने के लिए जो पेन की निब होती है ना उसको बोलते हैं निब। पेन, आई नीड अ ब्लू पेन हो सकता है, लेकिन क्या पेन फॉर डॉग्स हो सकता है? हर्ड का मतलब होता है झुंड। निब, पेन, ओके, निब, पेन, 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 ओके, ठीक है। अच्छा देखो, पेन का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? पेन का मतलब होता है, एक तो होता है कलम जिससे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब आई नीड अ ब्लू पेन, ये तो समझ में आया कि पहले में पेन हो सकता है, लेकिन क्या सेकेंड वाले ब्लैंक के लिए पेन वाला ऑप्शन सही है? आई नीड अ ब्लू निब, अगर ब्लू निब भी हो गया, शेल्टर का मतलब होता है शरण देना, रुकने या रहने की जगह, इसे भी शेल्टर कहा जाता है। दो ऑप्शन भी तो हो सकते हैं। कौन से दो ऑप्शन बेटा, जब ऑप्शन हमें एक ही दिया हुआ है? बी और सी दोनों थोड़ी ना कर सकते हैं। देखो देखो, झुंड के लिए डॉग का झुंड हर्ड हो सकता है, चलो मान लें कि सेकंड फोर्थ वाले में हर्ड हो गया। हाँ समिष्ठा जी, अब सही आपने क्वेश्चन पूछा है। पेन वर्ड का एक मतलब होता है कलम, और दूसरा पेन का मतलब एक और भी होता है, और वो होता है ऐसा एरिया या फिर ऐसी चार दीवारी, एक ऐसा एरिया जहां पर जानवर रखे जाएं, जहां जानवर पाले जाते हैं, उस जगह को भी, उस एरिया को भी पेन
पेन कहा जाता है। तो पेन देखा होगा ना आपने, एक बाड़ लगाकर जगह बनाया जाता है स्पेशली किसके लिए, जैसे शीप के लिए, भेड़ों का एक झुंड जहां पे रहता है, हाँ उस जगह को जो चारों तरफ से बाड़ लगा के बंद कर दी जाए, या जानवरों के लिए जो जगह सुरक्षित रख दी जाए उसे भी पेन कहा जाता है, और इसीलिए यहां सही आंसर होगा पेन। पेट हाउस बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बेटा, पी ए आई एन वाला पेन आप बोल रहे हो, दर्द वाला, वो पेन वाला नहीं है, ठीक है ना। पेन होता है, पेन का मतलब होता है एक तो कलम जिसे आप लिखते हो, दूसरा वो चार दीवारी जहां पे जानवर पाले जाते हैं, रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 14 के लिए। क्लियर, 15 के लिए बताइए, करेक्ट सॉरी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। Incorrectly, मुझे एक पेन चाहिए लिखने के लिए, ये इसकी हिंदी है, और मेरा भाई चलाता है एक ऐसा ऐसा एरिया चलाता है, ऐसी जगह चलाता है जहां पर जानवर या डॉग्स को पाला जाता है, ठीक है। तो दो मीनिंग होते हैं पेन के, ये ध्यान रखना, पेन हाउस होता है, हाँ पेट हाउस नहीं, पेट हाउस बोल लेते हैं लेकिन एक्चुअली वो होता है पेन हाउस है। बताइए, अच्छा ये 15 वही वाला आंसर आ गया है, हाँ ये तो कल वाला क्वेश्चन ही आ गया है, चलो कोई इश्यूज नहीं है, देखता हूँ जरा मैं क्या यहाँ पर कोई और दूसरा क्वेश्चन हो सकता था। रिपीट नहीं है एक्चुअली, देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड, Shelly is good at and also has a new ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, लॉन्च्ड लास्ट मंथ। ये फिल इन द ब्लैंक का एक क्वेश्चन है एंड द ऑप्शंस आर हियर। एडिशन एडिशन, दूसरा एडिशन एडिशन, तीसरा एडिशन और एडिशन, और चौथा एडिशन एंड एडिशन। चलिए फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड नहीं है ये, फिल इन द ब्लैंक। ये दिया हुआ है आपको सेंटेंस और ये दिया हुआ है ऑप्शन। हाँ
अब देखो शैली इज गुड एट, अब किस चीज में अच्छी है वो। अच्छा एक चीज जो और सीखने वाली है यहां से वो ये है कि गुड के साथ प्रेपोजिशन देख लो। किसी काम को करने में अगर आप अच्छे हो या बुरे हो, प्रेपोजिशन गुड या बैड के साथ एट आता है, इन नहीं आता। शी इज गुड इन मैथ्स, ही इज गुड इन इंग्लिश, ऐसे बोलोगे तो गलत हो जाएगा। गुड एट, गुड बैड एट होता है। हाँ अब किस चीज में अच्छी है, तो एडिशन नहीं, एडिशन तो मतलब होता है रूप, उसका नया रूप, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छी है वो कैलकुलेशन में, यानी पहला वाला एडिशन ए वाला होगा और दूसरा वाला एंड ऑल्सो हैज अ न्यू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसके पास एक नया वर्जन है, वर्जन। हाँ और वर्जन के लिए आता है एडिशन, तो ए वाला पहले एडिशन आएगा, ई वाला इसके बाद आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाला, ठीक है ना। ये आई थिंक जब एडिटिंग हो रही थी तब उसमें क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, वो इश्यूज नहीं है। सामने आपके आ गया 15th वाला क्वेश्चन, तो ऐसे पढ़ लो, कोई इश्यूज नहीं, पीडीएफ में आपको मिल ही जाएगा डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। होती रहती है ये चीजें, देखो प्रॉब्लम्स हैं बट उनका सोल्यूशन भी है, क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं अब हम लोग 16 से 20, जो हमारा क्लोज टेस्ट का पोर्शन आता है, कॉम्प्रहेंशन का पार्ट आता है। देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आएगा और ऑफ कोर्स उसके ऑप्शंस आएंगे, रिलेट करिएगा, बताइएगा सही आंसर। पहले रीडिंग कर लेना उसके बाद बताना सही आंसर। पढ़िए फटाफट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अमिस्ट ऑल द, अरे यार ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, पुशिंग सफरिंग अप्रोप्रिएट, आई थिंक रिपीट हो गया बेटा यहाँ से। हाँ 16-20 रिपीट हो गया बेटा, कल वाला ही क्लोजेस्ट आ गया ये वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है कोई इश्यूज नहीं है। चलिए जो बचा हुआ क्लोजेस्ट इसका है वो मैं आपसे डिस्कशन कर लूंगा, इसके जो अगले वाला हम लोग लेके आएंगे ना वीडियो, उसमें मैं डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जो भी पेपर होगा मैं डिस्कशन आपसे उसका कर लूंगा, ठीक है। कल हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे वो वाला प्रीवियस ईयर पेपर का, इसका जो क्लोजेस्ट होगा पहले वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे अपना नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर। कोशिश करूंगा कि जो इस बार अभी कल आज एग्जाम हुआ है, कल हुआ है, उसके ऊपर डिस्कशन करूँ। अगर वो नहीं हो पाएगा तो हम लोग कर लेंगे कंटिन्यू जो अगला पेपर आएगा शिफ्ट वो, ठीक है ना। पहले वो डिस्कशन करेंगे इसका जो क्लोजेस्ट है, उसके बाद बात करेंगे फिर हम लोग अगले पेपर की, ठीक है बच्चा। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑफकोर्स जो भी बचे हैं क्वेश्चन वो डिस्कस कर लूंगा आपसे। 15 क्वेश्चन तो फिलहाल हम लोगों ने कर डाले हैं, बाकी मैं डिस्कशन आपसे कर लूंगा। हाँ 13 राइट 3 रॉन्ग, ओके वेरी गुड। शायद जो गलत हो रहा है बेटा उनको पे मेहनत थोड़ा सा करो, ठीक है ना। चलिए कंटिन्यू कर लेंगे आगे भी। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ ठीक है बेटा आ जाएगा प्रीवियस पेपर, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।